हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम तकिए का कवर बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने तकिए का कवर बनाना बताया है, तो चलिए बनाते हैं। तो तकिए का कवर बनाने के लिए हम तकिया ले लेंगे जिसका हमें कवर बनाना है। तो जैसे मैंने ये ले लिया है तकिया, तो इसका हम मेजरमेंट कैसे लेंगे? तो जैसे मैंने इस तरह से रखा है, यहाँ हमारी जैसे सिलाई की जॉइंट होता है, यहाँ से हमें इस तरह से नाप लेना है अपने तकिए को। तो ये मेरा जहाँ पे आ रहा है 22 इंच, तो 22 इंच है, यहाँ पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा जो हम रखेंगे दोनों साइडों में, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच हमारा बच जाएगा, वो बाद में हम इस तरह से सिलाई से डिज़ाइन देंगे साइडों में। तो ये हो गया हमारा, जैसे 22 इंच है उसमें 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 4 इंच, तो 26 इंच हो गया इधर से। इसके बाद यहाँ से नापेंगे, यहाँ भी हमें सिलाई वाले जॉइंट पे इस तरह से ले लेना है। तो ये मेरा आ रहा है 14.5 इंच, तो इसमें भी हमें 2 इंच यहाँ पे लेना है, प्लस करना है 2 इंच इस साइड में प्लस करना है, तो 4 इंच हो गया हमारा। अब 14.5 इंच में 4 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया 18.5 इंच, तो इस साइड से हम रखेंगे 18.5 इंच। इसके बाद मैं कपड़ा लूंगी, कपड़े पे हम कटिंग करेंगे। तो जैसे एक पिल्लो बनाना है तो 1 मीटर हमारा कपड़ा लगेगा, अगर आप 2 पिल्लो बनाएंगे तो आपके 2 पिल्लो 1.5 मीटर कपड़े में बन जाएंगे। मैंने बिछा के रख लिया है। अब यहाँ से हमें लंबाई लेनी है अपने तकिए की, तो हमारी 22 इंच थी रेडी, तो 2 इंच हमने यहाँ पे रखना है, 2 इंच वहाँ पे रखना है, तो 4 इंच हमारा प्लस हो गया, तो 22 और 4 हमारा 26 इंच हो गया। यहाँ पे हम 26 इंच पे निशान लगाएंगे। चौड़े में हमारा था 14.5 इंच, 14.5 इंच में 2 इंच हमारा इधर जाएगा, 2 इंच इधर आएगा, तो हमारा हो गया 14.5 में हम 4 इंच प्लस कर लेंगे, तो 18.5 इंच पे यहाँ पे सीधी लाइन लगा देनी है, 18.5 इंच पे। ये निशान 18.5 इंच पे लग गया है, इसके सीधे ही हमें यहाँ से इस तरह निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। ये लाइन भी इसी तरह कट कर लेंगे। ये कटिंग हो गई है, ये हो गया हमारा फ्रंट का पीस। तो ये दोनों पीस मैंने कट कर लिए हैं, ये हमारा फ्रंट का है और बैक का पीस है। तो फ्रंट के पीस को हमें इस तरह बराबर ही इतना कट करना है, ये हमारा पूरा यहाँ तक बराबर आएगा। तो ये फ्रंट का हमारा यहाँ तक बराबर है। अब ये एक्स्ट्रा लिया है मैंने, इतना यहाँ से लिया है मैंने 6 इंच, तो ये मैंने इस तरह से यहाँ से 6.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फ्रंट वाले पीस से 6.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा फ्लैप के लिए आएगा। इसके बाद इस पीस को हमें इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे फ्लैप के लिए लेना है, तो यहाँ से मैं 9 इंच तक लूंगी, ये मैं 9 इंच तक लूंगी यहाँ पर, और इस साइड में भी 9 इंच लेंगे। ये 9 इंच है, यहाँ से सीधी लाइन लगा देंगे। तो ये सीधी लाइन लगा दी है, इसे हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब ये हमारा फ्रंट का एक ही पीस रहेगा और बैक के लिए हमारे 2 पीस बन गए हैं। अब इस पीस को हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और ये इसके साथ का दूसरा पीस है, इसे भी हमें उल्टा करके यहाँ पे इसी तरह सिलाई लगा देनी है, इसको इतना फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब ये फ्रंट पीस है, इसे हमें इस तरह से सीधा, ये साइड हमारी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे रखेंगे। फ्रंट का पीस इस तरह से रखा है और ये हमारा बैक का पीस है, ये बड़ा पीस है, इसे हमें इस तरह से रखना है, बराबर कर लेंगे ये कॉर्नर एकदम इस तरह से। इसके बाद हमारा ये छोटा पीस है, इसे हमें रखना है फ्लैप को, तो ये हम पहले यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह हमें इसके बराबर यहाँ पे ऐसे रख लेना है, और इस पीस को हमें बाद में ऐसे करना है, इसके ऊपर सेट कर देना है। तो ये हमारे इस तरह से बन गए, तीनों पीस सेट हो गए हैं। तो यहाँ से हमारा जैसे तकिया डलेगा, कपड़ा सेट हो गया है, तो इसे सिलना है। इसके लिए हम यहाँ पे पिंस लगा लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा सिलते टाइम हिल ना जाए, इसलिए हमें कपड़े को सेट कर लेना है पिन लगा के। खासकर ये है हमारे जॉइंट आएंगे यहाँ पर,
तो इनको हमें अच्छे से पिन अप कर लेना है। अगर पिन नहीं है तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा सकते हैं मशीन से और बाद में खोल सकते हैं। तो कपड़ा सारा हमारा सेट हो गया है पिन लगा के। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ पूरे में सिलाई लगा देनी है, यहाँ तक। तो चारों ओर से सिलाई लग गई है, अब हमें सीधा करना है इसे। तो सीधा करने से पहले जैसे हमारे ये कॉर्नर है, इन्हें हमें इस तरह से थोड़ा सा सिलाई के पास से ऐसे कट करेंगे, सिलाई नहीं काटनी, सिलाई के पास से। इससे क्या कॉर्नर हमारे एकदम परफेक्ट आएंगे जब हम सीधा करेंगे। तो ये भी ऐसे ही कट कर लेंगे। तो अब हम अपने तकिए को सीधा करेंगे, यहाँ से इस तरह से कॉर्नर को पकड़ के यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो तकिए को मैंने सीधा कर दिया है। अब ये सिलाई है, हमें इस तरह से ऐसे कर लेना है इसको, और यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है जिससे कि सिलाई हमारी एकदम परफेक्ट बैठ जाएंगी ये सिलाइयाँ। तो यहाँ पे प्रेस करके इस तरह हमें कर लेना है, और ये सिलाई है इसे हमें ऐसे फिर से प्रेस कर देनी है यहाँ पर, तो एकदम फिनिशिंग भी अच्छी आएगी हमारी। तो प्रेस मैंने कर दी है, जैसे ये सिलाइयाँ हमारी एकदम प्रॉपर बैठ गई हैं प्रेस करने के बाद। इसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो ये बाहर हमारा डिज़ाइन बनेगा, इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाते जाएंगे। ये 1.5 इंच की 1.5 इंच की मार्किंग कर दी है। इस तरह यहाँ से हमें ये लाइन लगा लेनी है। ये एक साइड में लगी है, अब ये दूसरी साइड है, यहाँ भी हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है 1.5 इंच की। चारों ओर हमें ये बॉर्डर देना है, चारों साइडों में इस तरह से हमें 1.5 इंच का ऐसे लाइन लगा लेनी है। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के पूरा हमें इस तरह मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इस तरह फिर से हमें पिंस लगा लेनी है जिससे ये हमारा हिले ना, तो सिलाई भी हमारी एकदम बराबर आएगी। इस तरह से जैसे मार्किंग की है उसी तरह हमें सिलाई लगा देनी है चारों ओर। हमारी सिलाई लग गई है। अब हमारा ये तकिया रेडी हो गया है, इसमें हम पिल्लो डालेंगे। तो जैसे इस तरह रख के भी हम देख सकते हैं, देखिए हमारा इस तरह 2-2 इंच जो लिया था वो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से हमें तकिया डालना है अपना, तो इस तरह से तकिया डाल लेंगे। तो तकिया मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए हमारा इस तरह से बना है तकिए का कवर। ये हमारी सीधी साइड है, तो ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1/2 इंच सिलाई में चला गया, और 1.5 इंच हमारा इस तरह से ये बन जाएगा, एक डिज़ाइन सा बनता है हमारा। तो फ्रेंड्स, हमारा तकिया बनके रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह से अपने तकिए का कवर बनाइए, एकदम परफेक्ट साइज का आपका तकिए का कवर बनेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।